अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटा। मुताले कुरान हकीम में से हम सूरतुल बकारा पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 5 हिस्सा 2 पढ़ेंगे। इसमें भी आयात 122 ता 152 शामिल हैं। इस लेसन को भी चूंकि हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था, फर्स्ट हाफ के क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं, आज हम सेकंड हाफ के क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आयात 130 ता 141 में किन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है? तो आंसर है आयात 130 ता 141 में मदरजा जैल अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। नंबर 1 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे। नंबर 4 हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, नंबर 5 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और नंबर 6 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 6 आयात 142 ता 147 में तहवीले किबला की क्या हिकमत बयान की गई है? तो आइए देखते हैं आंसर। तहवीले किबला अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तहान था कि कौन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अताअत करता है और कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इत्तबा से मुंह मोड़ता है। मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद 17 माह तक बैतुल मकदस की तरफ रुक करके नमाजें अदा की। फिर तहवीले किबला का हुक्म आया और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रजाओ पसंद पर बैतुल्ला को किबला बनाने का हुक्म नाजल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया है कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समाई, यकीनन हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। फलानुवल्लियन्नका किबलतन तर्जाहा, तो हम आपको इस किबला की तरफ जरूर फेर देंगे जिसे आप पसंद फरमाते हैं। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो अब से आप चेहरे मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। वाहिसु मा कुंतुम, और यहां भी तुम हो यानी ए मुसलमानों यहां भी तुम हो। फवल्लु वुजूहकुम शत्रहु, तो तुम अपने चेहरों को नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, यानी इस तरह मस्जिद हराम को किबला करार दे दिया गया और मुसलमानों से कहा कि अब तुम जहां कहीं भी हो अपने चेहरों को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह लोगों के कामों से बेखबर नहीं है, यानी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाओ पसंद पर अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम को किबला करार दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 आयात 148 ता 152 के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस फर्ज मनसबी का जिक्र किया गया है? तो आंसर देखते हैं आयात 148 ता 152 के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्ज मनसबी का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया। नंबर 1 कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम लोगों में मबूस फरमाया, किस लिए? यतलु अलैकुम आयातिना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर अल्लाह ताला की आयात तलावत करते हैं। नंबर 2 वयुज़क्कीकुम, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा तज़किया करते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका तज़किया करते हैं। नंबर 3 वयुअल्लिमुकुमुल किताबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें किताब सिखाते हैं, यानी अल्लाह का कलाम कुरान करीम सिखाते हैं। नंबर 4
वल हिकमता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें हिकमत सिखाते हैं, हिकमत भरी बातें बताते हैं ताकि वो उनको सीखें और जिंदगी में उन पर अमल पैरा हों। وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उन्हें वो सिखाते हैं जो वो नहीं जानते। ये था हमारा लेसन नंबर 5, आज मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 6 शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।